आज बहराइच में कार्तिक पूर्णिमा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में आज कार्तिक पूर्णिमा नहान पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहराइच स्थित मरी माता मंदिर पर व गोलवा घाट पर तमाम सारे श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने मरी माता के दर्शन किए तो वहीं पूजा अर्चना कर प्रार्थनाएं भी की, तो वहीं गोलवा घाट तट पर स्नान करके दीप जलाकर प्रार्थनाएं की। बहराइच से मोहम्मद अरशद के साथ नूरालम वारसी की देखें यह खास रिपोर्ट। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज माना जाता है कि कार्तिक मास का आखिरी दिन होता है और हम इस वक्त आ पहुंचे हैं बहराइच स्थित मरी माता मंदिर, जहां पर आज जिसको नहान के नाम से भी जाना जाता है, नहान का कार्यक्रम चल रहा है और कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर कार्यक्रम जारी है और तरह तरह की दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं, पूरा एक मेला लगा हुआ है। ऐसे में अभी दीप उत्सव का भी कार्यक्रम यहाँ पर इस घाट पर होगा। लगातार यहाँ पर भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहराइच स्थित मरी माता पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि हम कैमरामैन से कहेंगे वो क्लोज आकर आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ मरी माता जो स्थान है, मंदिर है, यहाँ पर जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और लाइनों में कतारों में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए और वो दर्शन करें और जो उनकी मान्यता है वो पूरा करें। तो ये लगातार हम आपको ये दृश्य बहराइच के मरी माता से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन चल रहा है और जिसको नहान के नाम से भी जाना जाता है, वो कार्यक्रम आज बहराइच के मरी माता मंदिर में चल रहा है। तो तमाम सारा जो कार्यक्रम है हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे और अभी दीपोत्सव का भी कार्यक्रम घाट पर होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो तरह तरह की जो दुकानें हैं यहाँ पर सजी हुई हैं और लगातार जो इस मेले में लोग आने वाले हैं यहाँ पर ख़रीदारी भी जमकर कर रहे हैं। बने हमारे साथ, देखते रहे NY24/7 न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद अरशद के साथ नूरालम वारसी। रश्मि त्रिपाठी, हम छोटी बाजार से आए हुए हैं। आज कौन सा दिन है? आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। तो हम लोग मरी माता के दर्शन करने आए, हमारे यहाँ भंडारा भी था, उसका प्रसाद ग्रहण किया और जो भी मनोकामना मानो वो हमारी मरी माता पूरा करती हैं। आज और भी कोई खास कार्यक्रम होता है इसे नहान के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा। हाँ जी, जी हाँ, कार्तिक मास का आखिरी दिन आज। हाँ, आज है तो स्नान भी होता है, घर में लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे भी पूजा करते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा होती है माता जी की और जो भी कुछ सच्चे मन से मानिए तो माता पूरा करती है। तो आप अकेले हैं या परिवार है? नहीं नहीं, हमारा परिवार है और हम लोग ने भी यहाँ पे माना था, हम लोग ने भंडारा कराया था, भंडारा हो गया, मनोकामना पूरी हुई थी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हमने कहा आखिरी बार फिर दर्शन करें, फिर माता रानी बुलाएं। जय माता। खास ये होता है साल भरे के कोरोना बाबत है, कार्तिक कोरोना और जो कार्तिक पूर्णिमा का पूजा पाठ धन भादों कथा करा था वो जान लो साल भर हर पुण्यवासी का हो जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का माना गया है। और तुलसी पूजन, तुलसी विवाह भी माना गया है, आज तुलसी पूजन करा जाता है, जो साल भर तक दीपक जलावा जाता है एक महीना तक के, इसके बाद माघ पूर्णमासी के दिन उड़ावती गंगा जी के आरती सूर्य भगवान के अर्चना करके सब लोग व्रत तोड़त हैं, उपवास रहते हैं, इसके बाद में फरार करत हैं, खात पीते हैं, करते हैं।
NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ।
एनएन वॉइस 24/7 न्यूज़, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।